दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस उपाय को अगर आपने एक बार कर लिया, सिर्फ सुई के माध्यम से इस उपाय को एक बार करने से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। और दोस्तों, खास बात इस उपाय की यह है कि सिर्फ एक सुई के माध्यम से, आपको यकीन भी नहीं होगा, आपको एक पल के लिए लगेगा कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, पर दोस्तों यकीन मानिए, जिसने भी ये उपाय किया है वो वशीकरण उसका 100% रिजल्ट मिला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसने ये काम किया हो और उसको रिजल्ट ना मिला हो। तो इस उपाय को करके आप कैसे किसी को अपने वश में कर सकते हैं, ये इस उपाय के माध्यम से वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका गलत इस्तेमाल का दिमाग में अगर सोच आए आपको, तो आप बिल्कुल भी इसका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस उपाय को अगर एक बार कर लिया तो वो इंसान आपके सच में आपके वश में हो जाएगा और ज़िंदगी भर आपके वश में ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको एक सुई लेनी है जो एक उंगली की बराबर की होती है, बड़ी सुई, वो लेनी है। और उस सुई को लेने के बाद इस तरीके से उंगली और अंगूठे के बीच से पकड़ लेते हैं, आराम से इस तरीके से उसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद आपको उस सुई पर अपने सर पर से 7 बार घुमाना है जो वशीकरण कर रहा है, और दूसरी 7 बार उस लड़की की, जिसका भी लड़की है, लड़का उसका फ़ोटो है, उसके फ़ोटो पे से 7 बार घुमाना है। और अब 3 बार आपको बोलना है ओम भगवते नमः, 3 बार ऐसा बोल के उस लड़की का नाम ले दो कि ये मेरे वश में हो जाए, बस ऐसा 3 बार बोल दो। और उस सुई को आपको किसी भी गड्ढे में डाल देनी है, ज़मीन पे गड्ढा खोद कर दबा देना है, बस इतना करना है। वो लड़की हो या लड़का, 24 घंटे में आपका दीवाना हो जाएगा, आपकी बात मानेगा, जैसा कहोगे वैसा करेगा। तो इस उपाय को करिए और हम इसके बाद